I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो मा ते संगो कवि कर्मणि के शाप, बभ्रुवाहन के वचन और चित्रांगदा के रहस्य का भेद बताने के लिए मैं आपको उस दिन के द्वार पर ले आया हूं जो बंटवारे में मिले खांडव प्रस्थ में पांडवों के राज का पहला दिन था। महर्षि व्यास के परामर्श पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों में देश के शासन के कार्यभार का विभाजन कर दिया, किंतु ये सत्य केवल मुझे मालूम था कि ये पांडवों के राज का पहला दिन नहीं था, एक नई कहानी का प्रारंभ था जो भाग्य अर्जुन के लिए लिख रहा था और जिसका नाता गंगा के शाप और बभ्रुवाहन के रहस्य से था। अनुज भीम जी, भ्राताश्री, तुम साहसी हो, शक्तिशाली हो और वैसे भी इंद्रप्रस्थ की प्रजा तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मेरे विचार में इंद्रप्रस्थ के गृह विभाग का भार संभालने के लिए तुमसे अति उत्तम व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। मैं इंद्रप्रस्थ के गृह विभाग का कार्यभार तुम्हें सौंपता हूं। जो आज्ञा भ्राताश्री, मैं भगवान को साक्षी मानकर वचन देता हूं
मैं यथाशक्ति अपने उत्तरदायित्व को निभाऊंगा, धर्म और न्याय के विषय में कोई भेदभाव नहीं करूंगा, राज्य और प्रजा की सेवा करूंगा। अनुज नकुल, हम सब भाइयों में तुम सबसे अधिक विद्वान और कला प्रेमी हो, इसलिए इस देश की प्रजा को शिक्षित करने का कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। जिस देश की प्रजा अशिक्षित होगी उस देश का भविष्य कदापि उन्नति नहीं कर सकता। और याद रखना, शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता नहीं है, बुद्धि और विवेक की जागृति करना भी है। और मुझे आशा है कि तुम ये कार्य पूरी निष्ठा से करोगे। मैं इंद्रप्रस्थ प्रजा की आशाएं पूरी करने का भरसक प्रयत्न करूंगा और उनकी शिक्षा के प्रचार में कोई कमी नहीं रखूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी। अनुज सहदेव, तुम नवयुवक हो और नवयुवकों की समस्याओं से भलीभांति परिचित भी हो। यदि नवयुवकों के हृदय में देश प्रेम की भावना नहीं जागेगी, यदि उन्हें अपनी कला और संस्कृति से प्रेम नहीं होगा, तो इस देश का भविष्य असुरक्षित रहेगा। नवयुवकों को राष्ट्र से जोड़ना किसी भी शासक का प्रथम कर्तव्य होता है। मैं तुम्हें संस्कृति विभाग देकर यह कार्यभार तुम्हें सौंपता हूं। मैं आभारी हूं महाराज, जो आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं वचन देता हूं कि मैं अपने उत्तरदायित्व से कदापि मुख नहीं मोड़ूंगा। मुझे तुमसे भी यही आशा थी। अनुज अर्जुन, किसी भी देश की सुरक्षा और स्नेह बल का नेतृत्व का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। सीमाओं की रक्षा करना और सेनाओं का मनोबल बढ़ाना किसी भी राजा का परम कर्तव्य होता है। और यह कार्य मैं तुम्हारे सहयोग के बिना नहीं कर सकता। पूजनीय भ्राताश्री, आपके लिए और इस इंद्रप्रस्थ के लिए मेरी सेवाएं आजीवन समर्पित रहेगी। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। ये जान लो वत्स, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे अपने ही हैं, तुम्हारे ही रक्त हैं। वे अवश्य तनाव उत्पन्न करेंगे, तुम्हें भड़काने का प्रयत्न करेंगे, किंतु तुम्हें धर्मानुसार शांति बनाए ही रखना है। मैं प्रयत्न करूंगा मुनिवर, किंतु मुझे चिंता है उन शत्रुओं की जो हमारी सीमाओं पर अपनी आंखें लगाए बैठे हैं। ये नागवंशी तो हम चंद्रवंशियों के पुराने शत्रु हैं, वो हमें चैन से बैठने नहीं देंगे। यदि सच पूछा जाए तो इस समय वही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, और इस बात को केशव भी भली भांति जानते हैं। प्रणाम केशव। प्रणाम। प्रणाम केशव भाव। मैं जानता हूं कि नागवंशी आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, किंतु मैं यह भी जानता हूं कि जो जितना बड़ा शत्रु होता है उसमें उतना ही बड़ा मित्र बनने की क्षमता भी होती है। वास्तव में शत्रु को मित्र बना लेना राजनीति की कुशलता की सबसे महान परीक्षा है। पार्थ केशव, मित्र बनने की क्षमता उन शत्रुओं में होती है जिसमें मित्र बनने की भावना होती हो, किंतु नागवंशियों में मित्रता की कोई भावना नहीं। पार्थ, न तो कोई सदा के लिए शत्रु रह सकता है और न सदा के लिए मित्र। स्वार्थ और हित इन संबंधों को बदलते रहते हैं। यदि किसी शत्रु को यह समझा दिया जाए कि मित्रता स्वयं उसके हित में है, तो उसे मित्र बनते देर नहीं लगेगी। यही कूटनीति है और यही राजनीति भी। परंतु उन्हें बताया कैसे जाए? संपर्क स्थापित करके, बातचीत के द्वार खोलकर, उन पर अपनी निष्पक्षता सिद्ध करके, उन्हें यह समझाकर कि समस्याओं का निदान युद्ध नहीं केवल आपसी बातचीत है जिसमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप कदापि ना हो। पार्थ,
तुम उन नागवंशियों से संपर्क स्थापित करो, उनसे अपनी सद्भावना का प्रदर्शन करो, तो वो स्वयं सत्य को देख लेंगे। ये कार्य तो बहुत कठिन है केशव। जो कार्य सबसे कठिन हो मजले भैया, सबसे पहले उसे ही हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि यदि सबसे कठिन कार्य पूरा हो जाए तो छोटी छोटी कठिनाइयां तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा केशव? तुम्हें स्वयं नागलोक जाना होगा, नागलोक के राजा वासुकी से मिलना होगा, उसे यह बताना होगा कि तुम उससे मित्रता चाहते हो। जब तुम उसके संपर्क में आओगे, वो तुम्हारी बातों में मित्रता की सुगंध पाएगा, तुम्हारे नेत्रों में सद्भावना की झलक देखेगा, तो उसका हृदय भी बदल जाएगा। केशव, यदि उसने हमारी मित्रता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यदि उसने हमारा बड़ा हुआ हाथ झटके से दूर फेंक दिया, तब तो सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा ना। बड़े भैया, वर्षा की बूंद बादलों की गोद से निकलकर जब धरती की ओर चलती है तो उसके मन में भी यही आशंकाएं होती हैं कि कहीं किसी अग्निकुंड में गिरकर भस्म ना हो जाऊं, कहीं किसी मरुस्थल में गिरकर धूल में ना मिल जाऊं, कहीं किसी शूल पर गिरकर शरीर के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। किंतु जब वो किसी सीप के खुले मुख में जाकर गिरती है और मोती बन जाती है, तो उसे ज्ञान होता है कि उसकी आशंकाएं तो निराधार थी। मनुष्य केवल यह निर्णय कर सकता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसके कर्म को सफल होना है या असफल, इसका निर्णय उसका भाग्य करता है। पार्थ, तुम केवल अपना कर्म करो, शेष होने पर छोड़ दो, जाओ और नागलोक में समस्त लोगों को अपना मित्र बनाकर आओ। यदि आपका यही परामर्श है तो मैं नागलोक अवश्य जाऊंगा केशव। मुझे विश्वास है पार्थ कि यदि तुम उनकी ओर एक पग बढ़ाओगे तो वे तुम्हारी ओर 10 पग बढ़ाने के लिए विवश हो जाएंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए केशव। पार्थ, मैंने तो जन्म लेते ही तुम सबको इतने आशीर्वाद दे दिए कि अब मुझ पर किसी का उधार शेष नहीं। फिर भी तुम कहते हो तो मैं तुम्हें सफलता का आशीर्वाद देता हूं। नागलोक कब जाओगे? केशव, कल। पार्थ, तुम्हें कल पर बड़ा विश्वास है? क्या तुमने कल का मुख देख लिया है? नहीं तो केशव। जो करना है आज ही करो पार्थ, हम सब वर्तमान में जीते हैं, कल तो मृग तृष्णा के समान होता है, दूर से जल दिखाई देता है किंतु पास जाने पर पता चलता है कि वो तो केवल रेत थी। मैं आपके आदेशों का पालन अवश्य करूंगा केशव, किंतु मेरे कर्म का फल आप जानो। दल नायक चांडक, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने किसी विशेष प्रयोजन से यह नाग सभा बुलाई है? नागराज वासुकी की जय हो। महाराज, समाचार मिला है कि पांडवों ने हमसे जो हमारी मातृभूमि खांडव वन छीनी थी, उसे न केवल उन्होंने अपनी राजधानी घोषित की है, बल्कि उसका नाम बदलकर उन्होंने खांडव वन से इंद्रप्रस्थ कर दिया है। जब उन्होंने हमसे हमारी भूमि बलपूर्वक छीन ली
तो अब उसके साथ जो भी व्यवहार करें हम क्या कर सकते हैं? हम इस सत्य से तो मुख नहीं मोड़ सकते कि हम उनके हाथों परास्त हो चुके हैं। परास्त हो जाने का यह अर्थ तो नहीं है महाराज कि हम निर्जीव हो चुके हैं। महाराज, युद्ध में विजय और पराजय दोनों ही भाग्य का खेल होता है, किंतु यदि पराजय के पश्चात कोई हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए तो वो पराजय सर्वनाश में बदल जाती है। इस समय धैर्य रखने के सिवाय उपाय ही क्या है? मौन धारण करके बैठे रहना भी किसी समस्या का समाधान नहीं है महाराज। याद रखे महाराज कि यदि खांडव वन में पांडवों के पांव जम गए तो उनका अगला पग हमारी छातियों पर होगा। हम परास्त अवश्य हुए हैं, किंतु वातावरण में उस अग्नि का ताप अब भी शेष है जिसमें हमारा खांडव वन चलाया गया था। अब भी हमारे घाव हरे हैं महाराज, हमारे वीर सैनिकों में मातृभूमि छिन जाने की पीड़ा और छातियों में प्रतिशोध के अंगारे दहक रहे हैं। हमें पांडवों पर यह अवश्य प्रदर्शित करते रहना होगा कि हम तो पराजय की पीड़ा को कभी भुला ही नहीं सके और उन्हें भी भूलने नहीं देंगे कि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र को हमसे छीनकर घोर अन्याय किया है। हम उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे महाराज, हम उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। तुम्हारी भावना सराहनीय है चांडक, किंतु दुख इस बात का है कि युद्ध भावनाओं से नहीं बुद्धि और बल से लड़ा जाता है। रणभूमि में उतरने से पहले जो अपनी बुद्धि की तुला पर अपने सामर्थ्य और बल को तोल नहीं लेता, युद्ध से पहले ही पराजय उसका भाग्य लेख बन जाता है। हम अभी किसी युद्ध के लिए तैयार नहीं है चांडक। युद्ध करने से पहले हमें अपने बल के साथ युद्ध करने की मनोस्थिति से बचना आवश्यक है महाराज, और यदि हमने अपने ऊपर पराजय का दुख ओढ़ लिया तो हम भविष्य में कभी भी युद्ध करने के योग्य नहीं रहेंगे महाराज। तुम क्या कहना चाहते हो चांडक? कि पराजय ने हमारा मनोबल, हमारा सांस चकनाचूर कर दिया है? नहीं चांडक, ऐसा नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वो सत्यता को जाने और परखने के कारण कह रहा हूं। एक इतना बड़ा सत्य क्रोध के कारण तुम्हारी दृष्टि से ओझल हुआ जा रहा है, जिसे देखे बिना एक पग भी चलना अपने मृत्यु के मुख में जाना होगा। आप किस सत्य की बात कर रहे हैं महाराज? चांडक, मैं उस सत्य की बात कर रहा हूं कि पांडवों के सबसे बड़े मित्र, उनके रक्षक, उनके मार्गदर्शक श्री कृष्ण हैं। वो वही श्री कृष्ण हैं जिन्होंने हमारे कुल पुरुष कालिया को यमुना के जल से भागकर सागर में आश्रय लेने पर विवश किया था। कालिया को फिर कभी यमुना वापस जाने का अवसर नहीं मिला। तो इसका अर्थ यह हुआ महाराज कि हम सदैव के लिए अपनी मातृभूमि खांडवन से हाथ धोले? हां चांडक, अभी तो मुझे खांडवन वापस लेने की कोई राह नहीं दिखाई दे रही। तो क्या हम पांडवों पर घात लगाकर आक्रमण करने की नीति भी नहीं अपना सकते? नहीं चांडक, गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को हर प्रकार के घात से बचने की शिक्षा दी है। इस समय पांडवों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का निर्णय लेना हमारे हित में नहीं होगा। हम इस पर फिर कभी विचार विमर्श करेंगे। महारानी विश्वाहिनी। हाँ महाराज। राजकुमारी उलूपी कहाँ है? इतना महत्वपूर्ण विचार विमर्श हो रहा है और वो राज्यसभा से अनुपस्थित है। वो हमारी उत्तराधिकारी है, उन्हें अपनी उत्तरदायित्व का आभास नहीं, उन्हें सभा में उपस्थित रहना चाहिए था। वो कदाचित मानव लोक गई है महाराज। उसे रोकिए, मानव लोक उसके लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। महाराज, मैंने उसे कई बार समझाया कि धरती लोक पर ना जाया कर, वह हर पग पर शत्रु का भय रहता है। न जाने उसे धरती लोक से क्या स्नेह है, वहां जाए बिना उसे चैन भी नहीं पड़ता। रुक तो सही। अरे रुक तो। अरे रुक। पकड़ लो। पकड़ लिया ना? बोलो,
मानती हो हार? हाँ बाबा, हाँ मानती हूँ। राजकुमारी, तुम्हारा हृदय तो जोर जोर से धक धक कर रहा है, जैसे बाहर निकलने को व्याकुल हो। सचमुच आज प्रातः काल से मेरी कुछ ऐसी ही दशा है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, जब प्रातः आज आँख खुली तब किसी ने धीरे से कानों में कह दिया हो, उल्लूपी आज का दिन सब दिनों में भिन्न है। हमें तो आज के दिन में कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती। आज भी सारा संसार वैसे ही लग रहा है जैसे निद्दिल लगता है। हाँ, तुम्हारे हृदय संसार में कोई हलचल मच रही हो तो और बात है। हलचल तो मच रही है, परंतु हलचल का कारण समझ में नहीं आता। मन में हलचल तभी होती है राजकुमारी, जब किसी को किसी से प्रेम हो गया हो या होने वाला हो। प्रेम और मुझे? आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसे मैं प्रेम के योग्य समझूं। अपने रूप पर इतना घमंड है तुम्हें? रूप पर घमंड नहीं, जो मेरे रूप पर मोहित होता है वो तो वासना का लोभी होता है। प्रेम, प्रेम तो एक दूसरे की भावनाएं समझने, एक दूसरे पर मरने और मिटने का नाम है। और आज तक मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आया ही नहीं। परंतु राजकुमारी, चांडक तो तुमसे बहुत प्रेम करता है। चांडक? हाँ। चांडक मुझसे प्रेम नहीं करता, वो तो मुझ पर विजय पाना चाहता है। जो प्रेम करते हैं वो नारी पर विजय प्राप्त नहीं करना चाहते, स्वयं पराजित होना चाहते हैं। उसी पराजय में अपनी विजय समझते हैं। उसे मुझसे नहीं, अपने आप से, अपने अहंकार से प्रेम है। वो उस उल्लूपी को प्राप्त करना चाहता है जो नागलोक की राजकुमारी है। राजकुमारी, चांडक किधर ही आ रहा है? तो भागो यहाँ से, वरना आते उल्टी सीधी हाँकने लगेगा। चलो चलो चलो, भागो भागो। कौन हो तुम सुंदरी? किसी स्वर की अप्सरा या सूर्य की पहली किरण जिसने एक नारी का रूप धारण कर लिया है? मैं उलूपी। कहाँ हो तुम? कहाँ गुम हो गई? चलो चलो। बड़ा ही सुंदर नाम है, परंतु ये उलूपी लुप्त किधर हो गई? वैसे विश्राम के लिए ये जगह बहुत उचित है। कदाचित कदाचित वो नागलोक का मार्ग भी यही होगा। मित्र शत्रु जाने नहीं, यही प्रेम की रीत। आज उलूपी को हुई अर्जुन से ही प्रीत, अर्जुन से। अर्जुन यहां क्या कर रहा है?
राजकुमारी। अब इसे ढूंढना व्यर्थ है। क्यों? कहते हैं प्यार की भूल भुलैया में जो खो जाते हैं उन्हें ना तो बाहर निकलने का मार्ग मिलता है और ना ही कोई और उन्हें ढूंढ पाता है। सच कहना राजकुमारी, क्या तुम भी प्रेम की भूल भुलैया में खो गई हो? अरे इस पर तो जादू कर दिया है उस परदेसी ने। पर वो परदेसी कौन था? अरे मानव लोक से आया हुआ कोई मानव था, और कौन था? क्या सब मानव ऐसे ही होते हैं? कैसे? जैसे वो था, सीधा साधा, भोला भाला। राजकुमारी, देखने में सब ऐसे ही लगते हैं, पर सब हमारे जन्म के बैरी होते हैं। पर मैंने तो सुना था, जिसके मन में बैर हो, शत्रुता हो, उसकी उसकी मुख की आभा मंद पड़ जाती है, पर इसका मुख तो सूर्य की भांति दमक रहा था। क्या शत्रु इतने सुंदर, इतने सभ्य हो सकते हैं सखी? अरे जब तक बैरी शत्रुता पर नहीं आते तभी तक सुंदर और सजीले लगते हैं, किंतु जब बैरी एक बार शत्रुता पर उतर आए ना, तब तो वो दानवों से भी अधिक कुरूप हो जाते हैं। पर वो ऐसा नहीं लगता। आप उस पर मुग्ध हो रही हैं राजकुमारी। इसीलिए तो इसे आज का दिन सब दिनों से भिन्न लग रहा था। पर इतना याद रखना राजकुमारी कि किसी मानव में इतनी रुचि लेना हम नाग मौसियों के लिए अच्छी बात नहीं है। अरे सखी, ये रुचि कहाँ ले रही थी? रुचि तो ले रही थी इसकी आंखें, जो उसे देखते ही बैठे बैठे सपनों में खो गई। रुचि तो ले रहा था इसका हृदय, जो उछल कर उस परदेसी के चरणों में बसने को व्याकुल था। अब तो हमारी राजकुमारी गई काम से, और इसी के साथ में वो भी गया काम से, जो आपके प्यार में सूख कर कांटा हुए जा रहा था, है ना राजकुमारी चांडक? किस अहंकार का नाम ले लिया? जैसे कोई मधुर रसीली तान सुनते हुए कौए के बेसुरी काय काय कान में पड़ जाए। बेचारा, वो तो कब से अमावस की रात्रि की प्रतीक्षा में एक एक पल गिन रहा है कि कब वो अमावस की रात्रि आए और आप उसके गले में वरमाला डाल दें। इस प्रतीक्षा में तो उसकी पूरी आयु बीत जाएगी, उसकी ये आशा कभी पूरी नहीं होगी। पर महाराज वासुकी और महारानी विश्वाहिनी तो उसे बहुत पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह उसी के साथ हो। पिताश्री तो उसे यूं ही मुंह लगा रखा है, और उसने माताश्री को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा रखा है, पर वो तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। क्यों, क्या बुराई है उस चांडक में? वो लोभी और घमंडी है। इससे भी बड़ी बुराई है उसमें कि वो अभिमानी हमारी राजकुमारी से प्यार करता है, जो उसे कदापि नहीं चाहती। अच्छा बाबा, अब जाकर देखते हैं वो परदेसी है वहाँ या चला गया। राजकुमारी, वहाँ से चला गया तो क्या, पर अब तुम्हारे मन से तो नहीं जाएगा ना। कहाँ चली गई थी? महाराज बिगड़ रहे थे। क्यों बिगड़ रहे थे? तुम तो जानती हो महाराज तुमसे कितना स्नेह करते हैं, तनिक भी उनकी आंखों से उछल हो जाती हो तो वो व्याकुल हो जाते हैं। मैं तो तनिक मन बहलाने के लिए धरती पर चली गई थी। तुमसे कितनी बार कहा है बार बार धरती पर मत जाया करो, जानती हो वहां हमारे प्राणों के कितने बड़े शत्रु हैं? जानती हूँ माते, जानती हूँ, किंतु तुम्हें तो कहा था कि तुमने मुझे ऐसी शिक्षा दी है
कि मैं मित्रों के लिए तो अप्सरा और शत्रुओं के लिए विषैली नागिन का रूप धारण कर सकती हूँ। फिर भी जब तू धरती पर जाती है तो मेरा मन किसी अनजाने भय से कांप उठता है। वो क्यों माते? इसलिए कि मैं माँ हूँ। तुम चिंता ना किया करो माँ, मैं ईश्वर के अतिरिक्त किसी से नहीं डरती, चाहे वो मानव हो, दानव हो, यक्ष हो, या गंधर्व हो, या स्वयं देवता ही क्यों ना हो। पुत्री, तू नहीं जानती मेरे भय का कारण क्या है। तेरे जन्म के समय किसी ने भविष्यवाणी की थी कि कोई मानव पुत्र तेरा अपहरण कर ले जाएगा। बस उसी अशुभ भविष्यवाणी को सोचकर मैं भयभीत हो जाती हूँ। तू हंस क्यों रही है? तुम्हारा भय सुनकर। क्या मेरा भय अनुचित है? तुम्हारा भय अनुचित नहीं, तुम्हारी चिंता अनुचित है। अरे माते, इससे पहले कि कोई मानव मुझे हरने का साहस करे, मैं स्वयं उसे हरकर नागलोक में ले आऊंगी और तुम्हारे चरणों में डाल दूंगी। नागलोक में किसी भी मानव को प्रवेश करने की अनुमति नहीं। यदि कोई उसे हरकर भी ले आए तो उसे देखते ही उसकी हत्या कर दी जाएगी। किंतु एक बात बताओ माते। क्या? क्या मानव लोक वाले सदा से हमारे शत्रु हैं? नहीं, सदा से तो शत्रु नहीं। जो सदा से हमारे शत्रु ना हो, क्या वो कभी मित्र नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? किंतु पांडव हमारे मित्र कभी नहीं बन सकते। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हमारे खांडव वन को भस्म कर दिया था, नागवंशियों को घर से बेघर कर दिया था। हे भगवान, ये कोई संकट के संकेत की सूचना है। पुत्री, हमें इस समय महाराज के साथ होना चाहिए। न जाने कौन सा संकट आन पड़ा है। चल। क्या बात है चांडक, इस समय संकट की सूचना का संकेत क्यों दिया गया है? महाराज, मैंने अभी अभी नागवंशियों के हत्यारे पांडु पुत्र अर्जुन को नागलोक की ओर आते देखा है। क्या? हाँ महाराज। कहाँ है वो? हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम उसे मार डालेंगे। हमें सारी बात विस्तार से बताई जाए। चांडक, तुम्हें विश्वास है तुमने अर्जुन को ही देखा है? हाँ महाराज, मैं उसे पहचानने में कैसे धोखा खा सकता हूँ जिसने मेरे वंश वालों को, मेरे मित्रों को और मेरे सहयोगियों को चुन चुन कर मार डाला था। मैं उसके मुख को कैसे भूल सकता हूँ जिसे स्वप्न में भी देखकर नागलोक के शिशु एक चीत्कार के साथ अपनी नींद से जाग उठते हैं। महाराज, हमें तुरंत अपनी सेना लेकर उस पर टूट पड़ना चाहिए। नृशंस हत्याओं के प्रतिशोध का यही समय है। अर्जुन के साथ कितने सैनिक हैं? उसके साथ कोई सैनिक नहीं दिखा दिया महाराज। संभव है उसकी सेना पीछे आ रही हो महाराज, या अब तक आ चुकी हो। नहीं, इस नदी के साथ एक वन है, किसी सेना की छोटी से छोटी टुकड़ी भी वहां से निकले तो पशु पक्षियों में हलचल मच जाती है। किंतु वहां ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया महाराज। वातावरण में अब भी मौन छाया हुआ है महाराज। अर्जुन बिल्कुल अकेला है, इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी सेना लेकर हमें उस पर टूट पड़ना चाहिए। चांडक, तुम चाहते हो कि संसार ये कहे कि नागवंशी युद्ध में परास्त होने के पश्चात केवल साहस और बल ही नहीं, परंपराओं का आदर, सभ्यता और शिष्टाचार भी खो बैठे थे? एक व्यक्ति को मारने के लिए पूरी सेना, क्या कहेगा हमें इतिहास? परंपरा और सभ्यता से मैं भी परिचित हूं महाराज, किंतु अर्जुन एक व्यक्ति नहीं, एक सेना है। आपको याद नहीं किस प्रकार अर्जुन ने अकेले ही नागवंशों के झुंड को गाजर मुली की भांति काट डाला था? तल्लायक ठीक कह रहे महाराज, अर्जुन अकेला ही एक सेना के समान है। नहीं, प्रश्न ये नहीं कि वो सेना के समान है या नहीं, प्रश्न ये है कि वो अकेला है या नहीं, और एक व्यक्ति को मारने के लिए पूरी सेना का आक्रमण कायरता है या नहीं। है तो वो अकेला ही महाराज, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो फिर जान लो कि कायरता का कारण नहीं पूछा जाता, कायरता का प्रदर्शन देखा जाता है। हमारी आने वाली पीढ़ी ये नहीं पूछेगी कि अर्जुन ने अकेले ही कितने नागवंशियों की हत्या की थी, वो ये पूछेगी कि कितने नागवंशियों ने मिलकर एक अकेले अर्जुन की हत्या की थी। और जब वो जानेगी कि अर्जुन ने हमारी पूरी सेना पर आक्रमण किया था, तो वो हमें अपने पूर्वज कहते हुए लज जाएगी। नहीं चांडक, यदि अर्जुन अकेला है
तो किसी एक को ही उसके वध के लिए जाना होगा। यदि ऐसा है तो उसका वध करने मैं जाऊंगा महाराज। नहीं महाराज, इसका अधिकार मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं पहुंचता। मैं नागलोक की उत्तराधिकारी हूं। नागवंश के किसी भी शत्रु से लड़ना और उसके वध करने का सर्वप्रथम अधिकार केवल मेरा है। तुम कोमल तन की राजकुमारी भला अर्जुन के सामने क्या ठहर पाओगी? चांडक, यह मानव लोक नहीं जहां नर नारी में भेदभाव किया जाता है, जहां नारी को दुर्बल और कोमल माना जाता है। ये नाग लोक है, यहां सभी एक समान है और मैं एक नाग कन्या, देव भी जिसके सम्मुख आने से घबराते हैं। महाराज, यदि वो वास्तव में अर्जुन है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसका सर काटकर आपके चरणों में लाकर दे दूं। मुझे गर्व है अपनी पुत्री पर। मैं बहुत हर्ष से तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूं। कटार लाई जाए। ये कटार नागराज के विष में डुबोकर दे रहा हूं तुम्हें। इस कटार को अर्जुन के हृदय में उतार कर ये विष उसके लहू में घोल दो पुत्री, हमारा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा। मैं आपकी पुत्री नहीं, पुत्र हूं। कहां है नागवंशियों का शत्रु अर्जुन? मैंने उसे नदी के तट की ओर आते देखा है। क्षमा करें महाराज, किंतु आपने राजकुमारी उलूपी को अनुमति देकर ठीक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि राजकुमारी उलूपी स्वयं को इतने बड़े संकट में डाले। चांडक, तुम्हें चाहने या ना चाहने का अधिकार किसने दिया? महाराज ये भली भांति जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं अपनी इच्छा कई बार आपसे व्यक्त कर चुका हूं। चांडक, तुम्हें राजकुमारी उलूपी की बात याद नहीं? ये मानव लोक नहीं जहां इच्छाएं पुरुष की ही संपत्ति होती है। ये नाग लोक है, यहां तुम्हारी इच्छा का पूरा होना राजकुमारी उलूपी की इच्छा पर निर्भर है। जानता हूं महाराज, किंतु मैं ये आशा रखता हूं कि आने वाली अमावस्या की रात्रि को राजकुमारी उलूपी मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। तुम्हारी आशा की पूर्ति भी राजकुमारी उलूपी पर निर्भर है। यदि उसने तुम्हारे गले में वरमाला डाल दी तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं होगी, किंतु यह सब भविष्य की बात है। आज हम सबको ये कामना करनी चाहिए कि हमारी राजकुमारी उलूपी अर्जुन के वध अभियान में सफल होकर लौटे। महाराज, हमारी पुत्री अवश्य सफल होकर लौटेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी वीरता के सामने अर्जुन अपने हथियार डाल देगा। अनजाने ही कर चुकी जिसे हृदय का दान, राजकुमारी चल